लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। जलसंपदा विभागाच्या नाशिक परिमंडळात 12 वर्षांपूर्वी झालेल्या नोकर भरतीच्या वेळी विशिष्ट प्रवर्गातील अनुपस्थित उमेदवारांच्या जागी गुणक्रमानुसार पुढील उमेदवारांची निवड होणं अपेक्षित होतं, परंतु ही पदे वेगवेगळ्या प्रवर्गात भरवण्यात आलेली आहे। या पदांवर निवड समितीतील अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून परिवारातील सदस्य नातेवाईकांचा शासकीय सेवेत समावेश केल्याचा आरोप आझाद समाज पार्टीद्वारे करण्यात आला आहे। याविरोधात आझाद समाज पार्टी जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयाबाहेर गेल्या 4 दिवसापासून अमोरण उपोषण करत आहे। उपोषण स्थळी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे। यावेळी मुकेश कांगुडे आणि संदीप मोरे यांनी अधिकची माहिती दिली। मैं संदीप मोरे, आझाद समाज पार्टी युवा मोर्चा का मैं प्रदेश महासचिव। हम यहाँ पे अभी हमारा अनशन का ये चौथा दिन है। यहाँ पे जल संपदा विभाग में 2011 और 12 में जो भी भर्ती हुआ था उसमें घपला हुआ है, इसके कारण हम यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि 12 साल हो गए इसकी कोई जांच हुई नहीं। बहुत सारे इनके पास लेटर आए, तकरार जाए, लेकिन किसी ने इसकी जांच नहीं की। कल प्रशासन हमारे पास आके एक लेटर लेके आया कि बिंदु नामावली में कुछ घपला हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखा है कि उस टाइम में खुला प्रवर्ग के OBC के उम्मीदवार ही नहीं थे, इसलिए हमने खुद के रिलेटिव वहाँ पर डाल दिया, ऐसा उससे साफ दिखाई देता है। ये जो घपला हुआ है इसमें जो भी निवड़ समिति के अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपने खुद के बेटा बेटी सब जो रिलेटिव है उनको भर्ती कराए हैं। वो सब जिनका नाम के साथ हमारे पास लिस्ट है, पद के साथ लिस्ट है जिन्हें भर्ती कराया गया है। ये जो घपला किया है उसके जो कुछ सूत्रधार थे उनके मैं नाम लेता हूँ। उसमें PR भामरे थे, पोकड़े साहब थे, उसमें बाबूलाल शेड़के थे, उसके बाद शंकर सूर्यवनी, दत्तू गोतर ने, माधवराव निखाड़े, ये जो है सब लोग 8 लोग है। तो रमेश देशमानकर, सुभाष पगर है, ये जो लोग है इनके सब रिलेटिव ये भर्ती में शामिल किए गए हैं। उसके बाद एक कर्मचारी था शेख नामक, जो 8 दिन पहले निलंबित किया गया है। हमने जब उसके पहले SIT की उसकी जांच की जाए, हमारे जांच के लेटर के बाद उन्होंने उसका निलंबन किया हुआ है। वो 5 सालों से ड्यूटी पे नहीं था, फिर भी उसको वेतन दिया जा रहा था, तो ये वेतन उसको क्यों दिया जा रहा था और हमने जांच का लेटर देने के बाद उसको निलंबित क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो जो है उसका हमने स्टिंग ऑपरेशन करके एक वीडियो भी हासिल किया है, उस वीडियो में वो सब बता रहा है। उसके पास सब इस ये जो भर्ती ये घोटाला है इसके उसके पास पुरावे मौजूद है। अगर शासन प्रशासन उसको हिरासत में ले तो ये भर्ती का पूरा घोटाला जो कैसे कैसे हुआ वो विस्तार से हमें सब पता चल जाएगा। या घोटाळ्याचा साक्षीदार असलेला शिपाई 5 वर्ष गैरहजर असून देखील त्याला शासनाचे वेतन नियमित सुरू होते। त्या शिपाईची SIT चौकशीची मागणी केली असता त्याला सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले। भरतीत बिंदू नामावली नियमांचं उल्लंघन झालेलं आहे। एका अधिकाऱ्यानं आपल्या भाच्याचे धरणग्रस्त असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून त्याला सेवेत घेतलेलं होतं। ही बाब उघड झाल्यावर त्याचं निलंबन करण्यात आलंय। या सर्व बाबींसह निवड समिती अधिकारी आणि त्या शिपायांचे बँक खाते तपासून संबंधीची चौकशीची मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली। तत्कालीन पात्र उमेदवारांना न्याय मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलेलं आहे। संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक।